ये है मेरी सिस्टर पूजा दी और इन्हीं की शादी है 30 जून को, सो हम लोग इनकी शादी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ प्रीति। और गाइस, मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में आपको बताया था कि मेरी एनिवर्सरी के साथ साथ एक और खुशी आने वाली है जो हम लोग की लाइफ में ऐड होगी, और वो खुशी ये थी कि मेरी सिस्टर की शादी तय हो गई थी सेम डे को। हाँ, तो 10 जून को उनकी शादी भी तय हो गई थी बेबी। और उसके बाद क्या, हम लोग शादी का इतना जल्दी डेट निकला है, ये है 10 जून को शादी तय हुई है और 30 जून की उनकी शादी तय हो चुकी है। सो हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे उस दिन भी, और उसके बाद से फिर जब सब कुछ तय हो गया तो उसके बाद से शादी का सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है शादी की शॉपिंग। यस, तो हम लोग गए थे आज अमीनाबाद शॉपिंग के लिए और हमने वहाँ बहुत सारी शॉपिंग करी। कुछ शॉपिंग अभी पेंडिंग है क्योंकि हमारे हिस्से में सिर्फ पूजा दी की शॉपिंग आई है, जस्ट लाइक उनका मेकअप, उनका फैशन और उनकी साड़ीज और उनकी चीज़ें, और बाकी सारा हेडेक पापा मम्मी का होगा, बड़े लोगों का होगा। सो हम लोग ने जितना अमीनाबाद में शॉपिंग की है उस शॉपिंग का ब्लॉग मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। और हालांकि अमीनाबाद जाना थोड़ा रिस्की भी था, लेकिन अमीनाबाद जाने का फ़ायदा ये होता है कि आपको सारी की सारी चीज़ें एक जगह मिल जाती हैं, जस्ट लाइक आपको साड़ी, कपड़ा, चूड़ी, ज्वेलरी, व्हाटएवर, जो भी आपको ऐसी चीज़ें चाहिए वो आपको वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं, बहुत ब्रांडेड शॉप्स हैं, बहुत अगर आप कुछ रीज़नेबल चाहते हो तो उसका भी शॉप है, और बहुत अच्छा हाई फाई हर चीज़ चाहते हो तो वो सारी चीज़ें भी हैं। तो हमने पूछा थी कि कुछ शॉपिंग वहाँ पर करी थी जो मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊँगी कि हमने क्या क्या शॉपिंग करी है, और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे लखनऊ का सबसे पॉपुलर जगह जहाँ पे हम लोग इस टाइम हैं, मरीन ड्राइव के आसपास। हम पहुँच गए अमीनाबाद शॉपिंग के लिए और ये है एक शादी की शॉपिंग, और यहाँ पर इस मार्केट में इतना सन्नाटा है जो कभी होता ही नहीं था। ये सारा कोरोना का इफेक्ट है, इतना सन्नाटा है अमीनाबाद में। कोरोना का इफेक्ट है, इतना सन्नाटा है अमीनाबाद में। अब हमने अमीनाबाद की मार्केट के अंदर एंटर कर दिया और हम धीरे धीरे सारी शॉप्स पे देख रहे हैं कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है। यहाँ पर सारी शॉप्स में उतना ही खूबसूरत कलेक्शन है, लेकिन हम अभी सिर्फ और सिर्फ देखते हुए जा रहे हैं शॉप को। अब हम फाइनली एक शॉप चूज़ करेंगे और वहीं से सारा सामान लेना स्टार्ट कर देंगे। कहते हैं कि आपकी सेहत जो आपको जो है धीरे में ठीक ठाक ही रहे। साड़ी ना मुझे पहननी है और मैं शॉप देख के जाऊँगी। हम आप समझ लीजिए, अगर मेरी शादी में गंदी लगी तो नहीं, तो आप अगर मैं अच्छी लगी तो मैं और चार लोगों को बताऊँगी। बिल्कुल देखिए, प्रॉपर पार्टी वेयर है ये वाली, वही और कलर नहीं है ना ये शादी, ये वाला बहुत डार्क कलर लग रहा है। ये भी अच्छा लग रहा है कलर, और कलर ये दोनों सेम ही तो हैं। ये 50-50 की है, ये 45-50 की है, ये 38-50 की। आपको इसमें सब में डिस्काउंट कर दिया, ये तो दोनों सेम लग रही है ना। अच्छा, ये बॉर्डर बॉर्डर बॉर्डर, हाँ बस बूटी एक जैसा है कुछ, और अब ये अलग है चीज भी। अब देख लो दीदी, ये 3200, ये 5000 अप्रॉक्स, और ये कुछ वैसे ही 4500 की है, 52 की है, 38 की। कितना डिस्काउंट करेंगे?
हमने यहाँ से अपनी सारी शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया और ये दो साड़ियाँ जो हमारी सबसे बेस्ट लगी, जो हमने इसे ज़रूर ले लिया बिना ये सोचे कि ये कैसी दिख रही हैं, कलर कॉम्बिनेशन, मतलब ओवरऑल सब कुछ बहुत परफेक्ट था, तो हमने ये दो साड़ियों को ले ही ली हैं। बाकी हम और भी साड़ियाँ ले रहे हैं। सो यहाँ पर हम लेंगे पूजा दी के लिए चुनरी, जो शादी की चुनरी होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कलेक्शन है और फाइनली हमें एक चुनरी यहाँ पर पसंद आ गई है। ये दुपट्टा महल करके शॉप है और यहाँ पे सिर्फ दुपट्टे का ही कलेक्शन है और ओवरऑल दीदी ये देखो मेरे को तो शादी की चुनरी मुझे ऐसी अच्छी वाली है ना, थोड़ी सी अलग होता दुपट्टा लगता है पूरा, वही कह रही हूँ ये खूबसूरत लग रहा है। ये सब लेना चाहते हो, हैवी लेना चाहते हो, वो तो दुपट्टा है, दुपट्टे के लिए बेस्ट शॉप है यहाँ पर। हाँ, महल और दुपट्टा नगर करके दो शॉप आसपास ही हैं जहाँ पे बेस्ट दुपट्टे का कलेक्शन है और नहीं 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 और हमारे की शॉपिंग जाएंगे अपनी, ये वाला सही लगता है ये तुम नॉर्मल किसी में हर पर रुपये। ये देखिए एक और अच्छी ऐसी सिंपल है, ये नहीं वो सिंपल है, वो कुछ ज़्यादा ही सिंपल, वो कपड़ा लग रहा है वैसे वाला। हाँ नहीं नहीं ये सब ऐसे सही लग रही है ना, जैसे डेली पूजा पाठ में भी पहनना है, पूजा कथा में, तो ये सब सही लगता है, वो सब रोज़ अहम ही हो जाता है। ये क्या कॉस्टिंग है? और वो कितने की बताएं? 1000। और ये जो ये वाला था 1000 यार, ये 995। और भी है क्या कुछ चॉइस? नेट में मिलेंगे सर, नेट में चॉइस मिलेंगी तुम्हें, मेरी वाली तो ऐसी है, इसी स्टार की ही है, ये सही लगे। एक बार नेट में और ऑप्शन दिखाइए, ये जो है भैया जिसमें बीड्स लगी हैं बड़ी बड़ी आगे की तरफ, सौभाग्यवती भव वाली दिखाइए, रेड कलर में है, इसमें लिखा है दीपिका पादुकोण वाली चुन्नी, वो अनुष्का वाली ना, दीपिका वाली लिखा था। ये क्या कॉस्टिंग है? लेकिन ये बहुत बस इसका यही दिख रहा है, और कुछ दिख ही नहीं रहा है, नहीं अच्छा है। उसने पहना था बहुत सुंदर थी उसकी। यहाँ पे फुटवेयर के कलेक्शंस तो वैसे तो बहुत अच्छे थे, बट ये लोकल शॉप्स थी तो हमने यहाँ से कुछ भी फुटवेयर लेना सही नहीं समझा और हमने फुटवेयर यहाँ से नहीं लिया, बट हम नेक्स्ट शॉप को देख रहे हैं कि अगर कुछ मिल जाता है बेटर, अदरवाइज़ हम नॉर्मली मॉल में जाके स्लीपर की परचेजिंग कर लेंगे, बट यहाँ पे भी नॉर्मल डेली वेयर के लिए कलेक्शंस बहुत अच्छे हैं। सो फाइनली हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं दीदी, कुछ खाते हैं पहले, और वही तो कह रही हूँ, अरे तो कुछ मिलने दिखे तभी तो यार देखो अगर कुछ। सो हम लोग ने अमीनाबाद में फाइन
अभी साड़ियाँ हम लोग को मिली नहीं है क्योंकि वो अभी किस पे हैं, फॉल पीको पे हैं, और हम लोग इतने धूप में ज़्यादा घूम भी नहीं सकते, तो अब हम लोग कुछ खाएंगे थोड़ा, उसके बाद फिर आगे की शॉपिंग करेंगे। और बाकी मुझे ये देखो अब हम लोग थोड़ा कुछ खा पी लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की शॉपिंग करेंगे। और बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है और हम लोग थक भी गए हैं, तो हम लोग यहाँ बैठे हैं मधुरिमा में है। और हम लोग खाने के बाद फिर आगे का दीदी का चूड़ी ज्वेलरी और थोड़ा सा मेकअप बिंदी ये सारा कुछ लेंगे, फेस वेस हम लोग का एकदम। सवा साल सवा महीना ये तुम्हारे सास ससुर पहनेंगे, तो हमको यहाँ पे जो बेस्ट शॉप मिल गई है, हमने यहाँ से दीदी के लिए चूड़ा ले लिया है। चूड़ी की मैचिंग नहीं करवाई अभी क्योंकि हमें साड़ियाँ नहीं मिली हैं, वो हम नेक्स्ट डे। इनकी वो कह रहे थे ना बच्चे आएंगी, मतलब एक बार ऐसे ही बोलना कि आज आए हैं शॉपिंग के बहाने, तो मतलब ऐसे टाइम करना 8:30 शाम के बज गए 5 और अब हम लोग जा रहे हैं घर शॉपिंग करके पूजा दी की शादी की। हमने जितनी शॉपिंग हो सकता था थोड़ी बहुत कर ली है, थोड़ी बहुत शॉपिंग हम लोग 15th को आगे करेंगे, और क्योंकि उनकी साड़ी जो भी है साड़ियाँ सारी अभी नहीं मिली हैं, तो हम लोग वो वापस से आएंगे। और अभी हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो हम लोग घर जा रहे हैं और हम लोग धीरे धीरे अमीनाबाद से निकल रहे हैं। सो अमीनाबाद में शॉपिंग करना इज वॉज जस्ट लाइक, इतनी धूप है, इतना खैर कोरोना की वजह से वहाँ पे रश ज़्यादा नहीं थी, ये हमारा बेनिफिट हुआ। और लॉकडाउन वाली शादी में सबसे ज़्यादा यही अच्छा है कि आपको कहीं भी रश नहीं मिलने वाला है। फिर भी प्रॉब्लम ये था कि शॉप्स पे जाना अपनी सेफ्टी के साथ, चीज़ों को टच करना, आप मास्क उतार नहीं सकते थे, हर शॉप पे आपकी चेकिंग हो रही थी कि आपका टेम्परेचर नॉर्मल है, आपको हैंड सैनिटाइज कराया जा रहा था, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। मतलब सेफ्टी शॉपकीपर्स भी अपना आ रहे थे और हम लोग भी अपना मास्क कहीं भी नहीं उतारे थे। सो ये मेरा शॉपिंग ब्लॉग था और हमने इसमें बहुत अच्छे से शॉपिंग कर ली, और हमने एक ही दिन में कुछ मतलब मैक्सिमम शॉपिंग हमने ख़त्म कर ली है, और बाकी शॉपिंग जो पेंडिंग है वो मैं नेक्स्ट डे करूँगी। सो अगर आप चाहते हो कि आपके घर में भी किसी की शादी ऐसे पड़ने वाली है लॉकडाउन में और आप शॉपिंग करना चाहते हो, सो अमीनाबाद से बेस्ट जगह आई डोंट थिंक सो, कि मैं जानती हूँ अगर आप लखनऊ में हो तो, और वहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से हमें मिल गई हैं। और मैंने इस शॉपिंग में क्या क्या ख़रीदा है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। हमारी साड़ियाँ जो हैं, हमारा लहंगा जो है, वो सारी चीज़ें अभी हमें तुरंत नहीं मिली थी क्योंकि उनको चाहिए था 2 दिन का टाइम जिसमें वो फॉल पीको फिनिशिंग व्हाटएवर सारी चीज़ें करा सकते थे। सो मैंने इस ब्लॉग में आपको सिर्फ शॉपिंग का पूरा चीज़ दिखाया है, और शॉपिंग हमने क्या क्या किया है ये ब्लॉग देखने के लिए आपको नेक्स्ट ब्लॉग तक का वेट करना पड़ेगा। सो आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, आपने लाइक किया होगा, आपको कुछ आइडियाज़ मिले होंगे कि आपको क्या चाहिए, क्या अमीनाबाद से परचेज़ कर सकते हो।
सो इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट्स करो, आप मेरे को बताओ कैसा लगा आपको. और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको मेरे साथ रहना होगा. मेरे साथ रहने का मतलब ये है स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर नेक्स्ट वीडियो की हमने क्या क्या शॉपिंग करी थी. सो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज की शॉपिंग कर करके. सो तब तक के लिए बाय बाय. लेकिन मिस मत करिएगा एक भी ब्लॉग, क्योंकि मैं इसमें A to Z आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी. और मैं अभी बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी इस लॉकडाउन में कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ हैपनिंग करने के लिए. तो ये शादी से बड़ा कुछ खुशियों वाला चीज़ नहीं हो सकता. इसमें शॉपिंग भी है, मस्ती भी है, इमोशंस भी हैं, फीलिंग्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. सो आपको एक भी ब्लॉग मिस नहीं करना है, ठीक है? तो तब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के लिए. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए और खुश रहिए. और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ओके.